वो करते हैं, रिप्लाई देते हैं। तो हम उसी सर्कुलर के लिए वेट कर रहे हैं। हम लोग डिसाइड करेंगे, कैंपस वापस जाएंगे। हमारी भी इलेक्टेड बॉडी, हम चार सिर्फ डिसीजन नहीं ले सकते, हम इलेक्टेड बॉडी के साथ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे और फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। रजिस्ट्रेशन, रेजिग्नेशन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कल यही स्लोगन आप लोग चैंट कर रहे थे, जो था ये मांग पर भी आप लोग क्या अड़े हुए हैं, इसको बातचीत हुई। हम लोग कंटिन्यूसली हचारी को यही बोल रहे हैं कि बातचीत करने के लिए, नॉर्मलसी लाने के लिए भी हमें ऐसा एक वाइस चांसलर चाहिए जो एक नया शुरुआत हो हम लोगों के लिए, लेकिन वो चीज अभी तक नहीं हो पा रही है। तो हमने एकदम अपना बात रखी है एमएचआरटी के सामने, सेक्रेटरी के सामने, कि एकदम कॉन्क्रीटली इसलिए लिया जाए कि स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरी बात नहीं है कि मैं अटैक फेस की हूँ, आज कोई भी स्टूडेंट एकदम फेथ नहीं रख पा रहा है हमारे वाइस चांसलर। और इस बात को देखने की जरूरत है कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जो फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर थे आपके लाल, ये मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने स्वयं बोला है कि ये वाइस चांसलर बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है बातचीत करने के लिए और यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए। और आप आज जो हमारा जो मेन एजेंडा था, हमने एचआरडी मिनिस्टर से यही बोला कि सर हम आपसे, आपके पास नेगोशिएशन के लिए आ रहे हैं, यहाँ से फिर जाकर के वाइस चांसलर से नेगोशिएशन होगा, लेकिन नेगोशिएशन उसी वाइस चांसलर से हो सकता है जो एक कॉम्पिटेंट हो, जो स्टूडेंट को समझे और जिसको ये समझ में आना चाहिए कि कैंपस को रन करने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट देना जरूरी है। और वो सारी चीजें, वो सारी काबिलियत इस वाइस चांसलर के अंदर फिलहाल नहीं है, इसीलिए हम लोग एक नए वाइस चांसलर की मांग करते हैं कि जो कम से कम स्टूडेंट के मुद्दों को समझ सके, उसके साथ ये सारी चीजें आगे भी चलती रहेंगी। पहले जेएनएसयू ने जिस तरह से कहा था कि जो मास्क ढूंढ थे उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, आज दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 9 फोटोग्राफ, लोगों की फोटोग्राफ्स निकाली है जो सस्पेक्ट बनाए हैं, उसमें फिर से आपकी फोटो भी रिलीज करी है, क्या कहेंगे? बंद हो गया। देखिए अब वो दिल्ली पुलिस की बात है, वो अपना कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास भी मेरे एविडेंसेस है कि किस तरीके से मेरे ऊपर हमला हुई है। और सिर्फ फोटोग्राफ आ जाने से किसी का कोई सस्पेक्ट नहीं हो गया? सिर्फ फोटोग्राफ आ जाने से कोई सस्पेक्ट नहीं हो गया? सस्पेक्ट नहीं होता है। बात है बेसिकली कि वाइस चांसलर और जेएनयू प्रशासन का पूरा रोल रहा है 5 तारीख के हमले को करवाने में, पूरा चीफ प्रॉक्टर से लेकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इन सब लोग का रोल है। सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए गए और अभी प्रशासन, ये बात हमने एचआरडी को बताया कि प्रशासन का रोल है, जब तक के वीसी रिमूव नहीं होता है, हमारे प्रशासन के ऊपर विजिटर की इंक्वायरी नहीं बैठती है, ये इनजस्टिस हमारे जस्टिस हमें नहीं मिलेगा और हम अपनी सेफ्टी को एंश्योर नहीं कर पाएंगे। और जो दिल्ली पुलिस है, जब ये हमला हो रहा था तो बाहर बैठ के देख रहे थे, हम लोग फोन कर रहे थे अंदर आइए इसको कंट्रोल कीजिए, नहीं किया कंट्रोल। अभी 5 दिन बाद ये लोग ओसी का भी फोटो लाते हैं, ये बेसिकली एक कोशिश है कि हम लोगों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ने का, इस हिंसा का, इस आतंकी हमले का, और ये एकदम शर्मनाक है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ओसी का नाम है, तो आप देखिए कि ओसी के सर पे खुद एक रॉड पड़ा हुआ है, जो मार खाए हुए लोग हैं वो एमएचआरडी में आके नेगोशिएशन कर रहे हैं। मैं खुद, मुझे इन लोगों ने मारा है, हम लोग आके यहाँ बातचीत कर रहे हैं, नेगोशिएशन में है, जिन लोगों ने मारा है वो नकाबपोश है, उनको अगर दिल्ली पुलिस खोजे तो ये काफी सही रहेगा। आप लोगों को शायद टाइमलाइन भी पता है, जिस टाइम पे मैं जूझ रही थी अपने जान के लिए उस टाइम पे एफआईआर करवाया गया था, लेकिन इस बात पे वाइस चांसलर एक बार भी वाकिफ नहीं हुए कि कैसे यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। मैं बार बार ये बोल रही हूँ जेएनयूएसयू के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि किसी भी तरीके का वायलेंस इज कंडेमेबल, और ये बात हम चारों ने बार बार कैंपस के अंदर रखा था। और इस टाइम पे अगर दिल्ली पुलिस को इस बात पे ठंडक मिल जाती है कि मुझे सस्पेक्ट बना के वो पूरा चीज को घुमा देंगे, तो ये गलत है। अगर मैं जानना चाहती हूँ कि कोई भी वीडियो रिलीज हुआ है जहाँ पे मैं रॉड लेते हुए और मास्क पहनते हुए घूम रही हूँ, नहीं। सस्पेक्ट बोल देने से वो सस्पेक्ट नहीं हो जाता है, उनके पास प्रूफ भी रहना चाहिए ये बताने के लिए कि वो सस्पेक्ट है। तो बात किसी ने आपके साथ बात किया एक बार भी? एक बार भी बात नहीं, नहीं अभी तक एक बार। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 2 बार कि वाइस चांसलर हमसे मिले और बात करके इस मसले को सॉल्व करे, पर वाइस चांसलर हाई कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना किया है 2 बार और अब तक एक बार हमें सर मीटिंग नहीं हुई है। सी एट दिस मोमेंट द फेथ इन द वाइस चांसलर हैज कम्प्लीटली इरोडेड। द थिंग इज एटलीस्ट द एमएचआरडी वी आर हैविंग अ डायलॉग, सो वी मेनी टाइम्स द थिंग्स आर ऑल्सो कम्स आउट ऑफ अ डायलॉग एंड दैट इज एवरीथिंग वी ऑलवेज वेलकम एज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, दैट वी ऑलवेज वेलकम अ स्टेप ऑफ डायलॉग दैट इज बीन हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 60-70 days एंड एक्जैक्टली दैट इज वॉट वी वॉन्ट इवन विद कैंपस, दैट देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बट देयर शुडंट बी अ communication break. So the dialogue that you had last month, which ended in that record, in that statement which HRD proposed, it gave a proposal. If they offer the same proposal now, is that something that you're willing to take? Because that is something that your elected body has discussed. No, we have not yet discussed much on the nitty-gritties. Things have changed quite after the 5th. So we need to sit back, decide with our council that what are the steps that we are going to take and what are the alternative steps that we are going to take to
further this movement or have a further Ayushi, आपके ऊपर जब अटैक हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि आप लोग के साथ क्या हुआ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये कह रहा है कि इससे पहले जब सर्वर तोड़े गए उसमें आपके या आपके सहयोगियों का हाथ है, इसको आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए बार बार बोल रहे हैं कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से कोई कॉल नहीं था, अगर वो कोई, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अचानक से ये पता चला है, एक चीज भी खत्म कर देती हूँ कि वाइस चांसलर को जब सीसीटीवी फुटेजेस मांगा गया है गेट का, उन्होंने बोला है कि सर्वर डाउन था, हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है, लेकिन नॉर्थ गेट में रहता है सर्वर, नॉर्थ गेट में नहीं तो क्लाउड में सेव हो जाता है फुटेज, तो गेट का जो विजुअल से जहाँ पे हमें भी पता है किसने लीड किया था मॉब को, तो वो सारे वीडियोस वाइस चांसलर खुद अपने ट्विटर हैंडल से क्यों नहीं रिलीज करते हैं? हम जानना चाहते हैं कि वाइस देयर इज अ सिलेक्टिव एफआईआर सडनली, व्हाई आर दे सस्पेक्टिंग मी, फ्रॉम वेयर, व्हाट इज द प्रूफ, विदाउट एनीथिंग, जस्ट टू क्रिएट अ नैरेटिव इन द मीडिया दैट दीज आर द पीपल, ऑन व्हाट बेसिस आर यू क्रिएटिंग द नैरेटिव? टुमारो पुटिंग आवर फेसेस डजंट मीन एज सस्पेक्ट डजंट मीन दैट वी हैव डन एनीथिंग. What is the thing that led you to conclude that we are suspect? So we don't accept such kind of narratives that they are trying to build. और जो इंटरनेट की बात है, आप देखिए पूरे देश में इंटरनेट कौन बंद कर रहा है, कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर से लेकर गुजरात तक, और वो लोग जेएनयू में कहते हैं कि स्टूडेंट बंद किया है. सवाल उनसे पूछना चाहिए कि सबको पता है देश में इंटरनेट कौन बंद कर रहा है. अच्छा एक सवाल और, सर्कुलर अभी इन लोगों की तरफ से आ जाएगा, तो क्या सर्कुलर में क्या वो बातें होंगी जिसको हम देख कर कह सकते हैं कि आप लोग का स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गया? देखिए अभी हमें सर्कुलर आएगा उसकी, नहीं देखिए ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते बिकॉज काफी टाइम हम सर्कुलर देखेंगे, आएगा किस तरीके से उसे इंटरप्रेट किया जाएगा क्लैरिफिकेशंस के साथ, उसको देखते हुए हम अपनी इलेक्टेड बॉडी में वापस ले जाएंगे. इवन मिनिस्ट्री ने ही वही हमें सजेस्ट किया है कि जो भी आएगा हम लोग उसको वापस लेते हुए जाए, अपने बॉडीज में डिस्कस करें और फिर उसके बाद हम लोग इमेजरिटी को फिर से कॉन्फ्रेंस. See, I have not carried out any assault, neither I was carrying out any assault with rod or mask. I don't know from where Delhi police is getting such narratives. Anyways, whatever the thing is, the investigation will be done. And I have full faith in the law and order of this country that there will be a very fair, and I don't fear anything because I have not done anything wrong. So I have full faith in the law and order of this country that it will be in a very justified position and I'll get the justice of what has happened to me. And not a single FIR, abhi tak, mera jo complaint hai, usko FIR mein nahi turn kiya gaya. Ye janleva hamla nahi hai. लेकिन कुछ वीडियो में कहीं पे मैं देखी हूँ दैट इज अ सस्पेक्ट ऑफ डूइंग समथिंग. आई जस्ट वांट टू नो इज द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री वर्किंग इन अ वे. दिल्ली पुलिस क्यों बायस तरीके से काम कर रहा है मुझे ये जानना है कि मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला नहीं है, लेकिन किसी एक वीडियो में मैं दिखती हूँ कुछ नहीं. मैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हम लोग चार जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव है. कहीं पे कैंपस में इमरजेंसी होता है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होता है, हम दौड़ के पहुंचते स्टूडेंट्स के एसओएस कॉल्स पे. तो क्या हमारा कैंपस के अंदर कहीं पे पहुंचना सिक्योरिटी रीजंस के वजह से गुनाह है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये बता देता है कि वो वहां पे वो कर रहे थे? उनके पास क्या एविडेंस है? दिल्ली पुलिस ये क्यों नहीं रिलीज करता है कि क्या एविडेंस है जिसके वजह से वो सस्पेक्ट कर रहे हैं? उनके पास कोई एविडेंस नहीं है. जो एक एविडेंस मीडिया में चला था वो हमें भी पता है, उसका क्लैरिफिकेशन मैं बार बार दे चुकी हूँ कि एज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जब हम लोग दोनों रोक रहे थे एक दिन एक कपिल सतीश को मारा गया मेरे सामने, तो क्या कल आप उसका चेहरा गोल करके बोल दोगे ये सस्पेक्ट है उस चीज में? नहीं. ही इज डूइंग हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज द जनरल सेक्रेटरी, ही इज डूइंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी एज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द जॉइंट सेक्रेटरी. आई एम डूइंग माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच एट द प्लेस टू सेव माई स्टूडेंट्स एज द प्रेसिडेंट. एम आई रॉन्ग इन दैट वे? आपका सिक्योरिटी कहाँ रहता है? हमें क्यों पहुंचना पड़ता है? आपकी सिक्योरिटी क्या कर रहे थे? साइक्लोप्स कहाँ था वहां पे? स्टूडेंट्स वहां पे साइक्लोप्स को क्यों कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए? उन्हें हमें क्यों कॉल करना पड़ा जल्द से जल्द की नहीं ओशी आप आइए, सतीश आप आइए, साकेत आप आइए, दानिश आप आइए? उनको ये क्यों करना पड़ रहा है? अगर आपका सिक्योरिटी इतना टाइट है तो आपको ये तो करना ही नहीं पड़ेगा ना. आपके हॉस्टल में कोयना हॉस्टल में लड़के घुस कैसे गए? अगर आपका सिक्योरिटी इतना स्ट्रांग था तो कोयना हॉस्टल जो एक विमेंस हॉस्टल है उसमें सिक्योरिटी रात के शाम के सात बजे के बाद जो भी मास्क थे वो घुस कैसे गए? जहां पे भी हुआ है वो घुस कैसे गए हैं और कर कैसे रहे हैं प्रेजेंस में आपके? Aishi, are you saying that you went to Periyar Hospital or JNSU went to Periyar Hospital on the basis of SOS call? That's what you are saying? Because Delhi police is saying, and I'm quoting them,
right now as we speak that these students went to Periyar Hostel. They were muffled. Some members of JNSU were there. In fact, they were muffled. I was not. Some members of JNSU were there. I'm just quoting Delhi Police. See, exactly, that is the video. Aishi Ghosh, and they referred you here, was also there, which has been caught on camera. How do you respond to that? I have exactly responded. See, I'll just add something to it. The Cycle of Security Agency, which is responsible for providing security to JNU, 4 और 5 तारीख को आप देखिए हॉस्टल में उन्होंने अटेंडेंस साइन नहीं किया है. दो दिन से कैंपस से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी गायब है. उसके बाद जब हम पुलिस को कॉल करते हैं, अगर वो अटैक करने गई तो 3 बजे क्यों पुलिस को मैसेज करके भेजती कि एक असेलेंट और मॉब का ग्रुप जो है चेहरे पे कपड़ा बांध के डंडा लेके जमा हो गया है. अगर उसको अटैक करना होता, सीधा सीधा बात है, आप सोचिए, हम लोग पुलिस को बुलाए, हम लोग जब मारपीट हो रहा था तो हम लोग जाके रोकने की कोशिश किए. ये सब में आप समझिए किस तरीके की साजिश रचा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा. और इसीलिए हम लोगों को जो हमारा फेथ है वो बार बार हम लोग अपना फेथ डिलीबरेटिव बॉडीज में रखते हैं, एमएचआरडी में देते हैं, दिल्ली पुलिस से भी हम बात करते हैं, पर हमारा फेथ बार बार तोड़ा जा रहा है. बार बार ऊपर से ऑर्डर आके हमारे ही ऊपर इसका ठीकरा फोड़ने का कोशिश किया जा रहा है. कौन ऑर्डर कर रहा है ऊपर से, आप देख सकते हो कौन ऊपर से ऑर्डर कर रहा है. ये सर्कुलेट बहुत पहले हुआ था. ऑर्डर कौन कर रहा है आपको पता है? आप अगर मीडिया रिपोर्ट देखेंगे तो कौन आज जेएनयू के प्रशासन के अंडर कौन कॉल ले रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री देसी कॉल ले रही है, आपको सबको पता है. आप प्रिंट का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा. होम मिनिस्टर खुद जेएनयू को लेके कॉल ले रहे हैं इस समय पे. एमएचआरडी ने 10-11 तारीख को अगर ये सर्कुलर जारी किया था जो रिकॉर्ड ऑफ अग्रीमेंट है, हमने नहीं माना अभी तक के, सही बात है, पर अगर वो बाध्य था जेएनयू प्रशासन पे तो अब तक जेएनयू प्रशासन ने क्यों नहीं माना? कहां से मिलती है ये इम्प्यूनिटी? ये 5 तारीख के शाम में दिल्ली पुलिस 2 घंटा क्यों बाहर बैठ रही? किसके ऑर्डर पे बाहर बैठ रही? अंदर क्यों नहीं आ रही थी जब हम लोग फोन कर रहे थे? उनको पता था अंदर ये सब हो रहा है. अंदर आने से कौन उनको रोक रहा था? ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए. मैंने स्क्रीनशॉट सीधा होम मिनिस्टर पर आरोप लगाया एकदम. आईसी, हैव यू रिकॉर्डेड योर स्टेटमेंट बिफोर पुलिस? या पिछले 2 बार से पैनल नोटिफाइन हुआ. क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको एचआरडी मिनिस्ट्री पे भरोसा है लेकिन होम मिनिस्ट्री पे भरोसा नहीं है? क्या इसका ये मतलब निकाला जाए? निकाल सकते हैं. एक चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस कटघरे में होती है तो वो किसी भी तरीके से बचने के लिए एक फ्रेम करती है कहानी को. वो 2 घंटे कहाँ थी जब ऑलरेडी बताया गया था आशी के द्वारा कि यहाँ पे कुछ लोग घूम रहे कैंपस के अंदर, तो 2 घंटे से पुलिस कहाँ थी? जब वायलेंस हो रहा था 1 घंटे तक कैंपस के अंदर, तो पुलिस बाहर में क्या कर रही थी? उसको इन्फॉर्मेशन था. साइक्लोप्स का गार्ड 2 दिन से साइन अटेंडेंस क्यों नहीं कर रहा था कि वो कैंपस के अंदर मौजूद है? वो वीसी, ये सब एक प्लान तरीके से हुआ है. इसके पीछे कम्प्लीटली वीसी का हाथ है. हम लोग अभी एक इंक्वायरी बैठाई गई है जिसमें 5 लोगों का लिस्ट बनाया है. उसमें ऐसे भी प्रोफेसर शामिल है जो भीड़ को इंस्टिगेट किया है, जो अपने प्रियार हॉस्टल का वार्डन है और भीड़ के साथ वो शामिल था. इस तरह का वारदात जब दिल्ली पुलिस पे सवाल उठता है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बस बरगलाता है कि देखो एक ये फोटो आया है, इसमें आशीष शामिल है, सारा चीज इस पे डाल दो. ऐसा नहीं होता है. एक फोटो के अलावा आप अगर इसका कोई फोटो दिखा दे जहाँ पे वायलेंस कर रही है, जहाँ पे इसका फेस बंद है, लाठी है इसके डंडे इसके हाथ में, आप ऐसा कोई फुटेज लाइए जिससे प्रूफ होता है कि इसने वायलेंस किया है. पूरा प्रूफ जिसके खिलाफ हो रहा है, जो सरेआम घूम रहा है सड़कों पे, आज भी कैंपस के अंदर वो घूम रहा है मफलर लगा करके, उसका बिना मफलर का भी फेस है, डंडा लेके घूम रहा है. पुलिस के पास सारा रिपोर्ट है, वीडियो भी है, फुटेज भी है, लेकिन आज तक दिल्ली पुलिस उस एक को भी अरेस्ट नहीं किया है. तो क्यों नहीं किया है? किसी को ये करने से क्या फायदा? देखिए बात वो समझना पड़ेगा, एक क्लियर है. देखिए वीडियोस हमारे पास भी है लेकिन उस वीडियोस पे एक्शन लिया गया है, लेकिन चुन चुन के ये कौन सी फोटोज रिलीज किया जा रहा है? ये फोटोज रिलीज किसने किया था सबसे पहले एज प्रूफ? तो बात बोल रहे हैं वीसी किया है, लेकिन वीसी के करने का क्या फायदा मिलेगा? वीसी को क्या फायदा मिलेगा, क्या फायदा नहीं मिलेगा? ये तो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर जो है एक छात्र संगठन का, ही इज नॉट एक्टिंग एज द वाइस चांसलर, ही इज एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ एबीवीपी फॉर द लास्ट 4-5 ईयर. अब ऐसा एक वाइस चांसलर जब हमको मिला है, अब देखिए कि एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसका स्टोरी काफी मीडिया में चला है और वो सच बात है कि एक फ्रेंड द वायरस का एक ग्रुप है, उसमें सारे प्रशासन के ऑफिशियल थे, उसमें इस अटैक का प्लान हुआ है. अब ऐसे ग्रुप में अगर प्लान हो रहा है, उसमें लिखा जा रहा है कि वाइस चांसलर तो अपना है, वो तो हमारे साथ है, और फिर उनको सस्पेक्ट क्यों नहीं है उनपे? अचानक से ओशी घोष इज वाई इज द सस्पेक्ट ओनली, एंड वाई इज धनंजय सिंह नॉट द सस्पेक्ट? वाई इज द वाइस चांसलर नॉट द सस्पेक्ट फॉर इंस्टिगेटिंग? बिकॉज देयर इज नो फोटो, बिकॉज धनंजय सिंह कि आज सारा मुद्दा है वायलेंस पे आ गया है. आज सारा मुद्दा जो है, जो एजुकेशन के लिए लड़ा जा रहा था फीस हाई के खिलाफ, उस पर सवाल नहीं हो रहा था. कहीं ना कहीं वाइस चांसलर का इसके पीछे ये साजिश था कि जो जिस मुद्दे के कारण वो उसके ऊपर प्रेशर बन रहा था,
उसके चलते उसको हटाने के लिए उसने कहीं ना कहीं इस साजिश को रचा है और उसको मुद्दा भटकाने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि आज उसके ऊपर से प्रेशर हटा दिया है। ये मान लिया जाए कि वाइस चांसलर पे आपको भरोसा नहीं है तो हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी? जी देखिए, वाइस चांसलर पर बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है। पूरा कैंपस का स्टूडेंट बोला है और कैंपस के स्टूडेंट को वाइस को लेकर के हम लोग एमएचआरडी में आए थे और हम लोग इस बात को दो तीन बार बोल चुके हैं कि हम लोग हर तरीके से नेगोशिएशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं एमएचआरडी के साथ और वाइस चांसलर के साथ भी, लेकिन चूंकि वो वाइस चांसलर कंपिटेंट नहीं है, उतना योग्य नहीं है कि हमारी बात समझ सके और कैंपस के अंदर उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके जहाँ पर पढ़ाई लिखाई हो सके, इसीलिए स्टूडेंट का ये डिमांड है कि सबसे पहले वाइस चांसलर को हटाया जाए। और तो एचआरडी ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, हमारा जो प्रोसेस है वो अभी देखते हैं सर्कुलर क्या आता है, उसके बाद से उसके अभी जो सर्कुलर आने वाला है उसको देखने के बाद से फिर एक रिव्यू किया जाएगा कि स्टूडेंट से काउंसिल से पूछा जाएगा कि हमें अब किस मोड में जाना है, तो उसका कोई एक रिजिडिटी नहीं है, यहीं पर है। लेकिन एक मुद्दा है कि वाइस चांसलर को हटाया जाना चाहिए। अगर हॉस्टल फीस के अलावा बाकी सारी चीजें पीछे कर ली जाती, सारी जो बड़ी फीस है वो हम लोग काउंसिल मीटिंग करने के बाद ला सकते हैं, क्योंकि चार लोग होते हैं और चार ऑफिस बेयर होते हैं, कोई भी डिसीजन इन सब के मद लिया जाता है। देखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमने कुछ नहीं किया है। एग्जैक्टली, और देखिए 2016 में एग्जैक्टली यही हुआ है, डॉक्टर वीडियो को चला के आपने व्हाट डिड द दिल्ली पुलिस डू, दे मेड अ पूरा नैरेटिव अबाउट JNU दैट कन्हैया इज द इवल, द JNU इज इवल, वी आर नॉट इवल, वी हैव नॉट डन, वी विल नॉट बैक आउट फ्रॉम अ स्ट्रगल बिकॉज वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, वी फोर आर ट्रू टू आर स्ट्रगल एंड हम एक इंच भी पीछा नहीं लेंगे और हम डरते नहीं है दिल्ली पुलिस से। आप कर मेरे ब्लड सोक्ड, आई हैव माई क्लोथ्स टूडे, I am having to come and prove myself here. Sir, this is the condition in our country. I am getting emotional only because I know what I have faced that day. But मैं clearly ये बोलना चाहती हूँ, एक इंच पीछे हम लोग नहीं हटेंगे because हम चारों ने कोई गलती नहीं की है और हम अपना लड़ाई को आगे ले जाएंगे। इसमें बेहतर होगा कि दिल्ली पुलिस अपना कार्रवाई ठीक तरीके से करे और हर एक चीज के लिए देखिए बात, मुझे नहीं पता है कि कौन बदला लेना चाहता है क्या है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है एंड वी विल स्टैंड बाय द लॉ, वी विल गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टैंड बाय द लॉ एंड ऑल्सो वी विल बी गोइंग टू एनी एक्सटेंट टू हैव द मूवमेंट अहेड इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक वे। दैट्स इट।